आपने पिछली वीडियो में देखा कि मेरे एक वीडियो पर कॉपीराइट लग गई थी, एक नहीं दो वीडियो पर मेरे कॉपीराइट लग गई थी। मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल आपको बताया था कि यहाँ पर कैसे कॉपीराइट लगी और कौन से टॉपिक पर लगी, क्या किया तो मैंने यहाँ पर कॉपीराइट लगी, कैसे यहाँ पर क्या होगा, मैंने पूरी डिटेल बताया था, कब हटेगी कॉपीराइट, सब कुछ मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें, यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइडेड है। उसके बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे यहाँ पर हम काम करें कि यहाँ पर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट ना लगे, चैनल पर स्ट्राइक ना पड़े। तो प्रॉपर वे में कैसे काम करें कि इस वीडियो में किसी भी वीडियो को हम प्रॉपर वे तरीके से कैसे डाउनलोड करें, कैसे डालें यहाँ पर, किसी भी कंटेंट को कैसे यूज़ करें कि यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, कॉपीराइट से रिलेटेड यहाँ पर पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज सत्र घंटे एक बीत प्रशांत। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात, किसी भी कंटेंट होगा, किसी भी दूसरे लोगों के कंटेंट होगा अगर आप यूज करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक वहाँ पर यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे मेरा चैनल है, अगर आपने मेरे कंटेंट को यूज किया तो मैं आपको कॉपीराइट दे सकता हूँ। मेरे ऊपर निर्भर करता है मैं आपको कॉपीराइट देता हूँ कि नहीं देता हूँ, ऐसा यहाँ पर कुछ गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर दिया गया गाइस। तो आप जो है यहाँ पर किसी भी दूसरे का कंटेंट यूज ना करें। अगर आप किसी भी दूसरे लोगों का कंटेंट अगर आप यूज करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, वो चाहे तो आपके ऊपर कॉपीराइट दे सकता है। आप कॉपीराइट हटवा भी सकते हैं, आप उनसे मेल करके, आप उनसे बात करके, जो भी कॉपीराइट दिया है उस पर्टिकुलर आदमी से आप बात करके कॉपीराइट हटवा भी सकते हैं, कॉपीराइट हट भी जाती है, ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो उसके ऊपर है, जिसने कॉपीराइट दिया वो हटाता है कि नहीं हटाता है वो उसके ऊपर है गाइस। तो आप हमेशा ऐसे, मतलब कॉपीराइट मैं आपको दूसरे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, उसके बाद इमेज, वीडियो कहाँ से लें, उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट है, कई सारी वेबसाइट है, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। वहाँ से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देखने को मिलेगी, जैसा कि मेरे वीडियो में देखने को मिली यहाँ पर कॉपीराइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो मैं पूरा डिटेल आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखें तो आप जाके देखें, वहाँ पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो पर, दो दो वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे लगी। तो गाइज आपको आगे से ध्यान रखना है कि आपको किसी भी दूसरे का कंटेंट नहीं यूज करना है। और गाइज ये बहुत ही मेजर बात होने वाली है कि अगर आप किसी दूसरे कंटेंट को यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट दे सकता है। तो आप आगे से इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी दूसरे कंटेंट को आप यूज ना करें। अगर आप कहीं करते हैं तो उसकी क्रेडिट उसको दें। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्निकल गुरु जी के, मान लीजिए मैंने यहाँ पर वीडियो यूज करा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि मैंने यहाँ से आपके वीडियो को यहाँ पर यूज किया है। तो गाइज यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर अगर आप क्रेडिट देते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं दे सकता कुछ, यहाँ पर 70% तो आपको नहीं देगा अगर फिर भी, लेकिन वो दे सकता है अगर आप उसका यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप दूसरे कंटेंट ना ही यूज करें तब भी ज़्यादा बेहतर है। बस तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर कॉपीराइट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ गए। अगर आपके पास अब भी कोई क्वेरी है कॉपीराइट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपको यहाँ पर उत्तर दे दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाकर उत्तर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो। बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।